वालेकुम। कल जो फोर टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल्ली के घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ किया गया, उनके नेम प्लेट को फेंक दिया गया और वहां पे काम करने वाले को डरा धमका के ओवैसी साहब को मार देने की धमकियां दी गई, उसे हम कंडेम करते हैं और उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है, जहां इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स है और वहां से 8 मिनट की दूरी पर प्राइम मिनिस्टर का घर है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथ में है, दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में है, उसके बावजूद ही हरकत हुई। इसका मतलब हम एक रेडिकलाइज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी गुंडागर्दी को हम बिल्कुल भी बढ़ावा दे नहीं सकते और हमारे कायद के घर पर अटैक हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सख्त एक्शन ले, वरना हम रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करेंगे। और जो हिंदुत्ववादी गुंडे ये हरकत करे वो तो उनकी बेखूफी है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। डरने और घबराने वाली जमात नहीं है मजलिस। हमारे कायद से और हमारी जमात से डर तो तुम लोगों को है, इसलिए ऐसी हरकत करे। तुम जैसे गुंडों के खिलाफ, तुम्हारे लीडर्स के खिलाफ, वो चाय वाला, तड़ीपार, बंदर, कौन कौन है, भगवत, तुम्हारे और तुम्हारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, तुम्हारी पार्टी के रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, उनके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, हक और इंसाफ के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे।